लग रहा है ना, बिल्कुल क्रीमी डिलिशियस, मुंह में पानी आ जाने वाला पनीर का सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी पनीर लबाबदार, जो कि हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हैं और हमें लगता है कि इसको घर पर बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आज के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताऊँगी पनीर लबाबदार का, जिसको आप बनाएंगे तो आप अगली बार ये रेस्टोरेंट में ऑर्डर कभी नहीं करेंगे। तो आइए देख लेते इस झटपट सी पनीर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 4 टमाटर मीडियम साइज के, जिसको मैंने आधे टुकड़ों में काट दिया था। इसके साथ जाएगा अदरक लहसुन, तो ये करीब 10 कली लहसुन है, लौंग है, इलायची है, अदरक है और यहाँ पे मेरे पास 15 से 20 कैशू नट्स है। इन सबको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक कि पूरा पानी नहीं सूख जाता और जो हमारे टमाटर है, अदरक लहसुन है, काजू है, अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते। तो ये जो रेसिपी है, इसका जो मेन ग्रेवी टमाटर से बनता है और इसमें जो क्रीमीनेस है वो काजू से आता है, तो काजू आप ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आपके पास काजू ना भी हो तो आप बादाम डाल सकते हैं। तो ग्रेवी अच्छे से अब बॉईल हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पानी भी पूरा सूख चुका है। तो इस ग्रेवी को हम अच्छे से पका के फिर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। तो अगर आप गर्म पीसेंगे तो मिक्सर ग्राइंडर जार जो है वो उछलने लग जाएगा, तो आप इसको ठंडा करके ही पीसें हल्का। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, आप इसको किसी भी तेल में बना सकते हैं या फिर घी में बना सकते हैं। इसमें डालेंगे तेजपत्ता यानी कि बे लीफ। इसमें अब जाएगा कटा हुआ प्याज, तो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर में प्याज को अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था और प्याज को हम हल्का भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, जब वो हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसमें हम अपना पीसा हुआ मसाला जो था काजू टमाटर और अदरक लहसुन का, उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो इस रेसिपी में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस वो जब हल्का सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम अपना टमाटर वाला ग्रेवी डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और अच्छे से चला लेंगे। तो ग्रेवी को अभी हम मीडियम फ्लेम में कुक कर रहे हैं और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये अपना ऑयल को रिलीज़ नहीं कर देती। इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, आप कच्चा जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। अब इस ग्रेवी को हम ढक के पका लेंगे। तो बिना ढक के ग्रेवी जो है हल्की उछलने लग जाती है, तो इसको हम ढक के पका रहे हैं। इसमें अब जाएगा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है टेस्ट के हिसाब से। इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। तो इस स्टेज पे ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसको हम हल्का थिक कर लेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देती। तो कंटिन्यूसली इसको चलाते हुए पकाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कलर भी चेंज हो चुका है और वो ऑयल भी रिलीज़ कर चुका है। तो ग्रेवी हमारा हो गया है रेडी। अब इस ग्रेवी को पतला करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पानी। पानी डाल के अच्छे से एक बार चला लेंगे। तो ग्रेवी का रंग जो है इस टाइम पे अच्छे से ऑरेंजिश ब्राउन हो चुका है और जैसे रेस्टोरेंट्स में जो ग्रेवी का कलर होता है बिल्कुल वैसा ही लगेगा। अभी इसमें हम कुछ एक चीज़ें और ऐड करेंगे उसके बाद। तो घर के बहुत ही नॉर्मल मामूली सामान के साथ ये रेसिपी रेडी हो जाती है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा फ्रेश क्रीम, तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो आप दूध का मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने से इस ग्रेवी में बहुत अच्छा एक रिचनेस आ जाता है और ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बन जाता है।
इसमें अब हम डाल देंगे पनीर, जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिया है। पनीर आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, अगर आप रेक्टेंगल या ट्रायंगल काटना चाहते हैं तो उस तरीके से भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्क्वायर किया है। और पनीर को डालने के बाद हम अच्छे से इस ग्रेवी के साथ पनीर को मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी जब ऑल पक जाए अच्छे से, तो फिर हम इसमें डालेंगे दूध। ये मेरी खुद की एडिशन है, मैंने हमेशा से ये फॉलो किया है कि जब भी हम ग्रेवी में दूध डालते हैं तो ग्रेवी का अलग ही रंग और रूप हो जाता है और टेस्ट में वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। तो आप दूध ज़रूर डालिए ग्रेवी में, ताकि जो ग्रेवी है वो इस तरीके से लाजवाब सा, क्रीमी, स्मूथ, सिल्की टेक्सचर का हो जाए और बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो हमारा जो पनीर है वो अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर चुका है। अब आपको बस ग्रेवी को इतना थिक करना है जितना कि आप उसको खाना चाहते हैं, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा क्रीमी पनीर लबाबदार का ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो रेडी है हमारा क्रीमी, स्मूथ, सिल्की टेक्स्चर वाला डिलीशियस सा पनीर लबाबदार। तो ये मैंने 4 servings बनाया है। आप चाहें तो इसको हाफ क्वांटिटी में करके 2 लोगों के लिए भी बना सकते हैं। तो इस ग्रेवी को, गर्मा गर्म पनीर लबाबदार को एक बोल में सर्व कर दीजिए। और इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, कुलचा के साथ, या फिर फ्राइड राइस के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल का सब्ज़ी हमारा बनके रेडी है। इसके ऊपर मैं हल्का पनीर ग्रेट कर रही हूँ डेकोरेशन के लिए, इससे जो इसका प्रेजेंटेशन है वो और इन्हांस हो जाता है। और गार्निश कर देंगे हम धनिया का पत्ता के साथ। तो मैंने यहाँ पे कुछ धनिया का पत्ता को डेकोरेट कर दिया है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ फ्राइड कैशू नट्स। तो एक बार गाइस इस रेसिपी को आप बना के जब ट्राई करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि आप बिल्कुल भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये रेसिपी को घर में बनाया है। इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है। मैंने अभी तक इसको हज़ारों बार बना दिया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और हमारे चैनल क्रेज़ी फॉर हेल्थ को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।